मिट्टी सत्याग्रह यात्रा शहीद राजेश राय की कर्म स्थली चंदनवाड़ा पहुंची। भाजपा के कद्दावर नेता प्रमोद राय फुट फुट कर रोए। चार माह से ज्यादा समय से चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के तहत देशव्यापी मिट्टी सत्याग्रह यात्रा चल रही है, जहां से देश के गांव-गांव की मिट्टी किसान आंदोलन में किसान शहीदों के स्मारक बनाए जाने। उक्त स्मारकों में सिवनी जिले के किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते 2001 में शहीद हुए भाजपा नेता प्रमोद राय के छोटे भाई राजेश राय की कर्मभूमि मिट्टी किसान आंदोलन कार्य के द्वारा दिल्ली बॉर्डर भेजी जाएगी, जो यात्रा आज पलारी पहुंची। उल्लेखनीय है कि 20 साल से ज़्यादा समय हो जाने के बावजूद भी किसानों की लड़ाई में शहीद राजेश राय को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी स्मारक भी अधूरा पड़ा हुआ है। उक्त जानकारी आंदोलन के मीडिया प्रभारी राजेश पटेल द्वारा दी गई। शिवनी से मेहबूज अंसारी की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम बता दें। मेरा नाम मंगना पटेल जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का विभाग अध्यक्ष हूँ जी। हम भी यही चाहते हैं, भाई राजेश जी के लिए हम 20 वर्षों से हर वर्ष 1 फरवरी को हमें यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमने, मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष था 2 साल पहले, जब शिवराज जी पलारी आए थे कृषि प्रांगण में, तो हमने यही बिल्कुल यही स्मारक के सामने उनको पूरा हमारा संगठन ने रोका था। और हमने ये मांग किए थे कि भाई यहाँ राजेश राय जी की मूर्ति की स्थापना होना चाहिए। और वो मूर्ति 15 वर्ष से बनी हुई है, बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई रखी है, मगर अभी तक शिवराज जी ने बोल के गए थे, यहाँ भी बोले थे कि बोले हम प्रशासन को, कलेक्टर को बोले उनने कि ये काम हो जाना चाहिए, यहाँ मूर्ति स्थापना हो जाना चाहिए, मगर अभी तक नहीं हुई। तो हम शिवराज जी से भी यही मांग करते हैं। और चलो ठीक है, जो पहले जो भी सरकार रही हो वो तो 4-5 ही साल रही, उसके बाद में 15 साल 16-17 साल शिवराज जी की सरकार, मगर क्या बताएं, जबकि हम तो बीजेपी समर्थित हैं, है क्या नहीं। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बानी दे रहे हैं उनके प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है? संवेदनशील राज्य सरकार भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, जबकि संवेदनशील होना चाहिए, हमारी प्रार्थना है। बाकी ठीक, आदरणीय, हम लोग यहाँ खड़े हैं जो 2001 में राजेश राय जी शहीद हुए थे, हम यहाँ देख रहे हैं अभी तक उनका जो स्मारक यहाँ पर बनाया जाना था अभी तक नहीं बन पाया है, इसको आप किसको दोषी मानते हैं? 20 वर्ष का लंबा अरसा गुजर गया जी, और किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति सरकारों की जो जवाबदाही होना चाहिए जी, उस पर सरकारें खरी नहीं उतरती, बल्कि इनको एक पार्टी विशेष पे, व्यक्ति विशेष से जोड़ दिया जाता है। कोई भी किसान हो, किसान की कोई जात पात नहीं होती, उसका कोई धर्म और नीति नहीं होती, उसका कोई परिवार नहीं होता। जो क्षेत्र के लिए, जो देश के लिए, जो कृषि कार्य करते करते शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। और ये जो आधा अधूरा स्तंभ आप देख रहे हैं, जो सरकारें लगातार किसान हित की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को किसान हितेशी, किसान पुत्र माना जाता है, उनके द्वारा घोषणा के बाद भी नहीं मालूम क्यों कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि यह स्तंभ आज भी अधूरा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि शिवराज जी को चाहिए कि वो स्वयं रुचि लेकर, जब यहाँ मंडी प्रांगण में आए हुए थे तो उन्होंने घोषणा किए थे कि इस कार्य को तत्काल पूरा किया जाएगा, वो काम आधा अधूरा है, अतः उनको चाहिए कि वो स्वयं रुचि लेकर इस काम को पूर्ण कराएं और जिला प्रशासन के माध्यम से यह कारण पूर्ण किया जाना चाहिए। और किसानों को जय हिंद, जय भारत। भारत के कृषि करते हैं आप, हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को काम नहीं दे सकते हो, और अडानी अंबानी को हमारी जमीने सौंप रहे हो, 65% ये लोग जाएंगे करा, इनको मारने के लिए ये सरकार लगी हुई है। और इस सरकार से हम लोग इसलिए, बल्कि मैं एक सरकार की बात नहीं करता, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या तुम्हारे से बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकारें इस लोकतांत्रिक देश में अपने मन के कानून नहीं बना सकती। ये जो बनाया जा रहा है, ये गलत बनाया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये डॉक्टर सुनील साहब और अन्य लोगों के आह्वान पर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ में हैं, और यह आंदोलन को जन जन तक पहुँचाना है। अभी तक कि हमने गलती जरूर की थी कि
कि भारत के संविधान में हम मांगते ही रहे कि हमको मिलता जाए, पर भारत के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी लिखे हुए हैं और हम लोगों ने अपने कर्तव्य नहीं निभाए, इसलिए इन लोगों इतने चढ़ पड़ गए। अगर हम लोग इनसे पूछते रहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो ये लोग इतने आगे नहीं बढ़ सकते। नौकर से हमने फोड़ दिया और पूछा नहीं, इसलिए ये लोग इतने ज़्यादा हमारे ऊपर। मेरे भाइयों, आप लोग कहाँ हैं, मैं एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफ़ी है हमें जागृत करने को, जो लोहा चोट खाता है वही तलवार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अमर शहीद किसान अमर रहे। अमर रहे शहीद राजेश राय। अमर रहे। अमर रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।